तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन में 55 को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। टू इक्वल चार्ज 2×10⁻⁷ कूलम्ब आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिड वे बिटवीन द टू चार्जेज। इट इज नाउ मूव्ड टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेज। हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल क्या था? तीन चार्ज कुछ इस तरीके से प्लेस्ड था, ठीक है, क्यू क्यू क्यू। मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस ए है, इसके बीच का भी डिस्टेंस ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a हो गया, जो कि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो a ले रहे हैं, इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर, 10⁻¹ मीटर, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगा? इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसके बीच का प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए, फिर इन दोनों के बीच का प्लस के क्यू स्क्वायर बाई टू ए। ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और फाइनली क्या हो गया है कि वो कुछ इस तरीके से प्लेस हो गया है। यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, और यहाँ पे चार्ज क्यू है। इसके बीच का सेपरेशन ए है, ए है और ए है, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की यदि बात कीजिएगा, ये टू ए सेपरेशन है ना, इसके इसके बीच का, इसको भी टू ए लेके चला जाया गया है, तो टू ए है, ऐसा कुछ है। 20 सेंटीमीटर दोनों से सेपरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 3kQa² / 2a हो जाएगा ना। देखिए 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं? 3kQa² / 2a। तो वर्क डन क्या होगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो ये कितना है? 2kQa² / a, 2kQa² / a प्लस kQa² / 2a माइनस, ये कितना हो जाएगा? 3kQa² / 2a, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितने के बराबर आएगा? 2kQa² / a माइनस, ये क्या हो गया? 1 में से 3 चला गया, तो -2 kQ² / a 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया कितने के बराबर? kQ² / a के बराबर। k का वैल्यू 9×10⁹, Q² का वैल्यू 2×10⁻⁷ का स्क्वायर बाई डिस्टेंस 10⁻¹। तो ये कितना आ जाएगा? 36×10⁻⁴, 3.6×10⁻³ जूल, ये आंसर आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।